हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बनाते हैं फ्रेश मटर की एक टेस्टी सी रेसिपी, जिसके लिए हमने फ्रेश मटर लिया है। एक कटोरी मैंने फ्रेश मटर लिया है। मसालों के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ लिया है, और उसी के साथ यहाँ मैंने 1 चम्मच सूखी हुई धनिया लिया है, और आधी छोटी चम्मच यहाँ मैंने काली मिर्च लिया, और 1 चम्मच जीरा लिया, और 1 चम्मच यहाँ मैंने अमचूर पाउडर लिया। सारे मसालों को पहले हल्का सा हम दरदरा पीस लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। ये अमचूर पाउडर को छोड़कर सारी चीज़ों को पहले दरदरा ही पीस लेंगे। हम देख सकते हैं सारी चीज़ों में दरदरा ही पीस लिया है। उसी के साथ यहाँ पे इसी में थोड़ा फ्रेश जो मटर है वो भी डाल देंगे। और फ्रेश मटर को भी हम थोड़ा दरदरा ही पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। हमें इसे पानी नहीं ऐड करना है। अब देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने दरदरा पीस लिया है, और एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे बाउल में पहले निकाल लेंगे। इसको देख सकते हैं एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। थोड़ा और मसाले इसमें ऐड करेंगे। जो अमचूर पाउडर है उसको हम डाल देंगे, और उसके साथ हम 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक डाल देंगे। आप उसकी जगह चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, या चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं बारीक काट करके। देखो चिली पाउडर डाल दिया मैंने चिली फ्लेक। उससे हम थोड़ा इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक का स्वाद सा कम या अधिक ऐड कर सकते हैं। और तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मटर में हर सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह बनाकर सफ़र में भी ले जा सकते हैं, खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सुबह की चाय के साथ इसे खाइए आप। मटर में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और थोड़ा थोड़ा करके हमें गेहूं का आटा डालना है। इकट्ठा आटा नहीं डालना है, नहीं तो आटे की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, मटर की मात्रा कम लगेगी। अच्छे से मटर में आटे को हम मिक्स कर लेंगे पहले। इसमें हमें पानी बहुत ऐड नहीं करना है, थोड़ा इसको टाइट ही थोड़ा गूंथ लेंगे थोड़ा। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया है थोड़ा खस्तापन के लिए। उसके बाद देखिए मैंने आटा इसमें गूंथ लिया है इसका अच्छे से, जैसे पूड़ी बनाते हैं उसी तरह हमें आटा इसका लगाना है। नमक डालने के बाद हमें काफ़ी देर तक इसे रखना नहीं है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो बेलने में प्रॉब्लम हो जाएगी इसको। उसके बाद हैं अपने हिसाब से छोटी या बड़ी लोइयाँ बना सकते हैं, छोटे छोटे बॉल्स या बड़ी बॉल्स बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने सरफेस लिया, सरफेस थोड़ा आटा डस्ट कर लेंगे, और छोटे छोटे लोहियाँ बना करके इसके हम पूड़ी नुमा इसका बना लेंगे। छोटे छोटे लोहियाँ बना करके यहाँ पे इसका पूड़ी नुमा बना करके इकट्ठा रख लेंगे पहले।
इसी तरह सारे ही मटर की पूड़ियाँ हम बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक साइड में मैं सारी पूड़ी बना के तैयार कर ली, एक साइड में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और तेल काफ़ी गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा ही भी गर्म नहीं चाहिए, ऊपर से ये जल जाएगा, अच्छे से ही कच्चा रह जाएगा। अब देख सकते हैं इसी तरह ही सारी हम कचौड़ियों को, मटर की कचौड़ियों को, बहुत ही ईजी रेसिपी है ना, भरने का झंझट है इसमें। आप इसे आटे में ही गूंथ करके इस तरह बना सकते हैं। इस तरह बनाएंगे तो आप खाली चाय के साथ, ना आपको इसमें सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी अचार की ज़रूरत पड़ेगी, आप चाय के साथ इसका एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह सारी ही पूड़ियों को बना के हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी सारी मटर की पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं, खस्ती सी, काफ़ी काफ़ी खस्ता बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे, यहाँ मैं हरी धनिया और सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप जो भी मन चाहे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं इसे, दही के साथ भी खा सकते हैं आप इसे सुबह के नाश्ते में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपकी मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, फिर मिलते हैं नई रेसिपी।